एक नई कार खरीदी है मैंने, और कार नहीं भाई, उसे तुम लोग ऑफ रोड एसयूवी बोल सकते हो, बट वो एसयूवी जैसी दिखती भी नहीं है, बिल्कुल ही अलग टाइप की गाड़ी है भाई। तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ, और कलर भी एकदम परफेक्ट है उसका, येलो एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई गाड़ी। अरे हाँ यार, गाड़ी तो सच में ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया है भाई, तुम लोगों ने भी देख ली भाई साहब? कल रात को ही तू वो गाड़ी लेकर आ गया था, तो हम लोगों ने कल ही देख लिया था। अच्छा, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, बहुत तगड़ी गाड़ी है ये, देखो भाई, बिल्कुल हमारी नई नवेली गाड़ी, जो कि एकदम मस्त चमक रही है भाई चारों तरफ से। और इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्लैक कलर भी है, येलो कलर भी है, एंड व्हाइट कलर भी है। और इस गाड़ी का नाम है ब्रॉलर। ब्रॉलर भाई कैसा नाम है। और एक और चीज बहुत ही ज्यादा मस्त है इस गाड़ी की, और वो है इसकी नंबर प्लेट। अगर तुम लोग इसकी नंबर प्लेट देखोगे तो ये देखो भाई, नंबर प्लेट 1234 भाई, कितना सिंपल सा नंबर है और कितना यूनिक नंबर कोड है भाई, ऐसा पूरे लॉस सैंटोस में किसी के नंबर प्लेट पे नहीं होगा। और इसके अलावा इसकी हेडलाइट देखो, बीच में जो लाइट्स लगी हैं, अबे ये कैसे चलेंगी पता नहीं भाई, कलवे जलती भी है कि नहीं वो? आई थिंक गाइस वो ऑटोमेटिकली रात को ही जलेंगी, बाकी हेडलाइट वगैरह। गाड़ी आई नो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रही है, तो क्या बोलते भाई, इंजन मेंशन और चॉप, गाड़ी लेकर चले गए एक लॉन्ग ड्राइव पे? अरे लॉन्ग ड्राइव पे नहीं यार, लेकिन शॉर्ट ड्राइव पे जरूर चल सकते हैं। चलो फिर शॉर्ट ड्राइव पे ही चलते हैं, थोड़ा खा पी भी लेंगे रास्ते में। मैं भाई साहब कल भी चल चल भाई, आज तो मजा ही आ जाएगा। आ जाओ जल्दी से आ जाओ भाई, अपनी गाड़ी फुल रेडी है गाइस, जल्दी से बैठते अपनी गाड़ी के अंदर और लेकर निकलते हैं। आज तो भाई फुल चौड़ में चलाने वाला हूँ मैं इस गाड़ी को, क्योंकि ऐसी गाड़ी लॉस सैंटोस की सड़कों पे बड़ी मुश्किल से ही नजर आती है। इस वाले बंदे को देखो, मेरी गाड़ी देखते ही कैसे डर गया भाई साहब। ऐसी गाड़ी लिटरली में इस वक्त लॉस सैंटोस के अंदर कहीं भी नहीं दिखने वाली है, और ये गाड़ी लिटरली में भाई सबसे यूनिक है, स्पेशली नंबर प्लेट की वजह से। और थोड़ी बहुत हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस भी करवाई है, और ये गाड़ी हम लोगों ने खरीदी है साइमन के शोरूम से, और वैसे भी कहां से ही खरीद सकते हैं, लेकिन साइमन का बच्चा आजकल बहुत बदतमीज हो गया भाई, डिस्काउंट नहीं देता एक रुपए का भी अब। खैर जो भी, अबे आओ ना बे तुम लोग, चलते हैं मस्त खाना पीना खाने के लिए। अबे शिनचैन और चॉप पहली आ गई, ये पिंजन का बच्चा कहां रह गया, जल्दी आ भाई पिंजन। अरे आ गया यार, वो थोड़ा सुसु करने चला गया था। ये हर बार भाई शिनचैन को सुसु लगती है, आज पिंचन को लग गई थी। खैर जो भी हो, अभी फटाफट से निकलते हैं बढ़िया से रेस्टोरेंट में। बताओ भाई कौन से रेस्टोरेंट में चलना है? भाई साहब ऐसे रेस्टोरेंट में चल जहाँ पर खा के भाई इतना हम लोग खा सके, इतना टेस्टी हो जहाँ का खाना कि खा के हमारा पेट भर जाए लेकिन मन ना भरे। क्या बात कर रहा है, तेरे को खाना टेस्टी हो या फिर ना हो तुझे क्या मतलब, तेरे को तो बस बर्गर ही चाहिए। अबे कल आप ज्यादा हो रहा है, तू चुप बैठ जा। ओके गाइस, तो हम लोग चलते हैं एक बहुत ही बढ़िया वाले रेस्टोरेंट में। सबसे पहले हमें यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, और फिर इस वाले रोड पर सीधा सीधा जाना पड़ेगा, आगे जाकर एक रेस्टोरेंट आएगा। वैसे यार गाड़ी तो तुमने बढ़िया कर ली, लेकिन कभी कपड़े भी बढ़िया वाले पहन लो। कपड़े? अबे कपड़ों में क्या दिक्कत है, बढ़िया कपड़े तो है मेरे। अरे चड्डी बनियान पहन के घूमते रहते हो हमेशा। ओ चड्डी नहीं कहते उसे, शॉर्ट्स कहते हैं। अरे जो भी है यार, हमेशा यही पहन के घूमते हो, कुछ बढ़िया से कपड़े खरीदो यार। अबे खरीद लूंगा भाई, तुम लोग तो मेरे कपड़ों के पीछे ही पड़ गए। अरे इतनी बढ़िया गाड़ी ले ली है, इतने बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, और कपड़े देखो यार तुम्हारे एकदम फटीचर हाल वाले ही। अबे यार तुम लोग तो सच में कपड़ों के पीछे ही पड़ गए। अरे उन वाले अंकल की तरह कपड़े पहने हो यार, देखो कितना बढ़िया सूट पहन रखा है। किन वाले अंकल ने? अरे उन्हें तो तुमने उड़ा दिया। अरे सॉरी भाई साहब सॉरी। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई भी मेरे को टक्कर मारने की? अरे सॉरी भाई, ज्यादा लगी तो नहीं? तूने बहुत तेज मारा है मेरे। सॉरी भाई सॉरी सॉरी भाई, गलती हो गई। ओए अब तुझे पता नहीं है तेरे संग क्या होगा। ओए भाई सॉरी बोल तो रहा हूँ, थोड़ी सी टक्कर ही तो लगी है, ज्यादा तेज कहाँ लगी है तुझे चोट? बल्कि मेरी गाड़ी पे थोड़े स्क्रैचेस आ गए, थोड़े खून के धब्बे लग गए। भाई बहुत गलत किया है तूने। गलत तो तूने किया है बे, अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। क्या हाल करेगा बे, ज्यादा फालतू मत बोल, थोड़ी सी टक्कर ही तो लगी है। ओए तमीज में, तू तमीज सिखाएगा है बे, सिगरेट फूकने वाले तू तमीज सिखाएगा। अरे फैमे छोड़ो यार। ओए बहुत गलती कर दी तूने, अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। भाई साहब गन से डराएगा तो बेटर, रोज इससे हम खिलौने की तरह खेलते हैं, समझ रहा है? ओए तू बहुत गलतियां कर रहा है आज, तू जानता नहीं है मैं हूँ कौन। अबे तू कोई भी हो, डरता नहीं हूँ मैं, समझा तू?
बहुत महंगा पड़ेगा। अबे सस्ती चीज चाहिए भी नहीं मुझे, समझ रहा है? अरे तुझे पता नहीं है मेरा भाई कौन है? मैं एक बहुत बड़े डॉन का भाई हूँ। अगर मैंने अपने भाई को बता दिया कि तूने मुझे पीटा है, फिर तू बचने नहीं वाला। अबे कोई भी हो तू और तेरा भाई कोई भी हो, तू आज बचने नहीं वाला मेरे हाथों से। तेरी ऐसी की तैसी, भाई साहब जरा सी बात नहीं हुई है, यहाँ पर गन निकाल के बैठ गया। तेरे को बताता हूँ बेटा गन कैसे चलाई जाती है, ऐसे गन चलाई जाती है, समझ रहा है? ओके गाइस, दो गोलियां मैंने पैरों में, चार गोलियां पैरों में मार दी है, अब अकल ठिकाने आ गई होगी इसकी। तूने बहुत ज्यादा गलत किया है। अबे चल कहीं कुछ भी ना गलत किया है। लेट्स गो गाइस, बैठते हैं बढ़िया से गाड़ी में, निकलते हैं यार। सारा खाने पीने का मूड खराब कर दिया इस नालायक ने, चलो भाई निकलते हैं। अरे छोड़ो ना यार हमें, क्या उससे हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए। चल भाई चलते हैं। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं मैं। बे फिर उठ गया ये तो, कितनी जान है यार इसके अंदर, चार गोलियां मारी है मैंने पैरों में। तुम्हारी गाड़ी का नंबर देख लिया मैंने, 1234, अब नहीं बचने वाले तुम। बे तेरी ऐसी की तैसी, वे निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है। ओके गाइस तो फटाफट से निकलते हैं हम लोग खाने के लिए। कौन से रेस्टोरेंट में चले भाई? एक तो इतनी नई नवेली गाड़ी का क्या हाल हो गया यार, देख रहे हो तुम लोग स्क्रैचेस ही स्क्रैचेस। कितनी मस्त प्यार से संभाल के मैं इस गाड़ी को चला रहा था, और अब देखो गाड़ी का हाल क्या हो गया है। खैर जो भी हो, ये शिंचन पिंचन की वजह से हुआ है, मेरे कपड़ों के पीछे पड़े हुए थे ये लोग। खैर अब छोड़ो भाई, कपड़े वाले को तो पीट दिया हम लोगों ने। अभी मस्त एक रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और चलते हैं कुछ टेस्टी सा खाना खाने के लिए। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लोग खा सकते हैं। अरे तो फिर चलो यार यहीं पर कुछ टेस्टी सा मंगवाते हैं। लेट्स गो, आ जाओ भाई, शिंजन बिंजन और चौप आ जाओ। और आ जाओ भाई, बताओ भाई क्या ऑर्डर करना है? भाई साहब कल मेरे लिए बर्गर मंगा तू। बर्गर? ओके। हाँ सर बोलिए, आपका क्या ऑर्डर है? अरे एक सेकेंड, ये तो वैसी ही गाड़ी है। कैसी गाड़ी है भाई? अरे वो आजकल ऐसी गाड़ी को एक डॉन ढूंढ रहा है। क्यों, क्या हो गया? अरे ऐसी गाड़ी में एक बंदा था, और उस बंदे ने डॉन के भाई को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया है, तो डॉन इसी गाड़ी वाले की तलाश कर रहा है। कहीं आप ही तो नहीं है वो? नहीं नहीं, मैंने तो अभी जस्ट 2 मिनट पहले ये गाड़ी खरीदी है। अच्छा, उस डॉन के भाई को कितनी देर पहले पीटा गया है? यही कुछ 10 मिनट पहले। अबे यार ये तो सच में भाई वो डॉन का ही भाई था इसका मतलब। वैसे सर वो सब छोड़िए, बताइए क्या क्या खाएंगे आप? नहीं अभी अभी आई एम सॉरी, अभी कुछ मूड नहीं है, चलते हैं भाई यहाँ से जल्दी से। अरे क्या हो गया यार? ओए डॉन का भाई कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। सर बताइए क्या खाएंगे? अबे तू तो हद है यार, पीछे ही पड़ गया। नहीं 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 सर, आप हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं, कुछ तो खा के ही जाना होगा। अबे यार कैसा चेपू वेटर है ये, जल्दी से निकलते हम लोग यहाँ से, वरना भाई हमारे घर तक ही आ जाएगा। लिटरली में वो दौड़ रहे हमारी गाड़ी के पीछे। अरे गलती हो गई भाई, माफ कर दे, अब नहीं आएंगे तेरे रेस्टोरेंट में। भाग तो गए यार वहां से, लेकिन शिंचन पिंचन और चौप सुनो, में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे क्या प्रॉब्लम हो गई है यार? अबे यार सच में उस वो जो जिस बंदे को हम लोग पीट के आए हैं, वो सच में डॉन का भाई था। अरे क्या बात कर रहे हो यार? हाँ भाई, और उसने सच में हमारी गाड़ी का नंबर देख लिया है। अरे क्या बात कर रहे हो? और हो ना हो उसने हमारी गाड़ी की फोटो भी खींच ली है। यार कलयुग तो बहुत ज्यादा गलत बात है यार, और गाड़ी की उसने फोटो खींच ली और अपने भाई को शायद से उसे सेंड कर दिया वो फोटो। अब उसका भाई पागलों की तरह हमारी गाड़ी को ढूंढ रहा है और साथ में हमें भी ढूंढ रहा है। अब तो जाकर भाई हमें छुपना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक डॉन है भाई, क्योंकि इतनी जल्दी अगर वो पीछे पड़ गया हमारे, तो सच में भाई उसके कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होंगे। इसीलिए मेरे को लग रहा है भाई चौप, हमें खाना पीना छोड़ के भाई घर पे जाके छुपना चाहिए। अरे निकलते हैं यार फटाफट से, हमें क्या पता कितना बड़ा डॉन है वो, कितना छोटा डॉन है वो। हाँ गाइस, हमें ये भी तो नहीं पता आखिर में वो कितना बड़ा डॉन है। पता चला लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा डॉन हुआ तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। चलते हैं, काम करते हैं, हमने जो अपना सीक्रेट बेस बनवाया था यार, सीक्रेट वाला, उसी के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अरे फैमिली, हाँ यार सही कह रहे हो, उसी के अंदर चलते हैं। लेट्स गो, जल्दी 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 भागते हैं, जल्दी इधर से शॉर्टकट लेते हैं हम लोग, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। बट घर पहुंचने से पहले सबसे पहले इस गाड़ी को छुपाना पड़ेगा यार कहीं, क्योंकि उस डॉन के भाई ने भाई इसी गाड़ी को ही नोटिस किया है, और इस गाड़ी के नंबर प्लेट को ही नोटिस किया है, और इतनी सिंपल नंबर प्लेट है कि कोई भी देखते ही नोटिस कर लेगा यार, 1234। क्या करें, इस गाड़ी को कहाँ छुपाएं? अरे पहले घर चलते हैं यार, उधर ही कहीं छुपा देंगे। ठीक है, जल्दी 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 भाई, जलना पड़ेगा यार, जल्दी से सीक्रेट बेस के अंदर छुपना पड़ेगा, वरना बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी।
वो डॉन का भाई छोड़ेगा नहीं हमें इस गाड़ी को। एक काम करो शिनचैन पिंचन और चॉप, तुम लोग उतर के चलो भाई सीक्रेट बेस के अंदर, तब तक मैं इस गाड़ी को छुपा के आता हूँ। अरे ठीक है यार। सीधे सीक्रेट बेस के अंदर जाना भाई। अरे ठीक है यार। खाने पीने का इंतजाम वहीं पर है, वहीं पर डायरेक्ट पहुंचो। अरे ठीक है यार, और जल्दी आना तुम भी। मैं बस गाड़ी को छुपा के डायरेक्ट आता हूँ सीक्रेट बेस के अंदर। लेट्स गो, आखिरकार आज हमारा ये सीक्रेट बेस काम आएगा। जा रहा हूँ मैं सीधे अंदर। ओके, शिनचैन पिंचन तो गए, मैं भी चलता हूँ भाई, पता नहीं कब वो डॉन आ जाए। लेट्स गो, इस गाड़ी को कहाँ छुपाऊँ मैं? इस तालाब के बगल में शायद, आई गेस। और कहीं तो जगह नहीं नजर आ रही है मेरे को, सामने पेड़ों की तरफ छुपा सकता हूँ मैं। बट यार क्या पता डॉन देख ले उधर। कोई झाड़ वाड़ भी नहीं है इधर बड़ी बड़ी जहाँ छुपा दूँ इसे मैं। ये तालाब वाला ही सेक्शन बढ़िया लग रहा है यार मेरे को तो। रुको जरा, इधर से इधर जाके और बढ़िया तरीके से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं। ओके, और फिर कहाँ? अबे नहीं आ रहा यार कुछ भी समझ में। किधर छुपाऊँ मैं इस गाड़ी को, किधर? आई हैव नो आइडिया भाई। किधर? अरे इस तालाब में छुपाने जा रहा हूँ मैं। सही है, यहीं पे छुपा देते हैं बढ़िया तरीके से। लेट्स गो, इधर ही छुपा देता हूँ मैं, मेरे को और कोई जगह नहीं मिल रही भाई, इधर ही रखते हैं इसे। अब मैं भी जा रहा हूँ फटाफट से सीक्रेट बेस में भाग के। वो डॉन का बच्चा कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। जिस हिसाब से उसके भाई को पीटा है भाई हम लोगों ने, वो पक्का पहले तो अपने भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएगा और उसके बाद हमारे पास आएगा लड़ने के लिए। तो जल्दी से निकलते हैं, जल्दी। आ गया घर पे। वैसे किसी ने आते हुए देखा तो नहीं होगा ना हमें, था नहीं भाई, क्या सीन है। अभी फिलहाल सीक्रेट बेस अपने ये रहा, जल्दी से चलते हैं अंदर। चलो भाई, आ गए फाइनली, आ गए भाई सीक्रेट बेस के अंदर, लेट्स गो। तो एंट्री तो मैं कर चुका हूँ, बट ये शिनचैन पिंचन और चॉप नजर क्यों नहीं आ रहे? वेट व्हाट, कहाँ गए लोग? हेलो, ओ ये तो रहा। हेलो भाई शिनचैन, क्या सोच रहा है? अरे यही सोच रहा है यार, अगर पकड़े गए तो। अबे नहीं पकड़े जाएंगे भाई, कितनी टेंशन ले रहा है तू भी? यहाँ पे इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है, मस्त टीवी चला देख। अरे नहीं यार, बाहर आवाज जा सकती है। अबे कौन सा उन्हें हमारे घर के बारे में पता है, तू इतनी टेंशन ले रहा है? यार कल भैया यार, फलों के अलावा कुछ खाने को है ही नहीं। मैं तुझे आते आते ही भूख लग गई, तो भूख तो लगेगी बे। कौन सा तू रेस्टोरेंट में खिला पिला के लाया मुझे? सॉरी भाई चॉप, बाद में जुगाड़ कर लेंगे खाने का। वैसे भाई पिंचन, तुझे नींद आ रही है? आ तो रही है यार, लेकिन बार बार उस डॉन का ही ख्याल आ रहा है। अबे कितना डरते हो यार तुम लोग उससे, नहीं पता चलेगा उसको हमारे घर के बारे में। और अगर घर के बारे में अगर पता चल भी गया तो नहीं पता चलेगा भाई उसे हमारे सीक्रेट बेस के बारे में गलती से भी। तो टेंशन मत लो तुम लोग, बिंदास रहो, चिल करो जैसे मैं कर रहा हूँ। इधर कपड़े की बेइज्जती मार रहे थे भाई, बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, कौन से पहन लूँ अभी कौन से पहनूं भाई, बहुत सारे हैं यार। टी शर्ट वी शर्ट भी है भर भर के। छोड़ो अभी, इसी में रहते हैं। बाकी इधर मस्त एकदम बाथटब है गाइस, ऐसा सीक्रेट बेस आज तक तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले तो ये देखो भाई, इतना बड़ा शावर एरिया है। उसके अलावा इधर अपना बाथरूम है, काफी बड़ा सा शीशा है, लाइट वाइट बहुत सारी है। और सबसे ज्यादा मस्त चीज है भाई, ये क्यूट सा ब्यूटीफुल सा बाथटब, कितना मस्त लग रहा है यार ये। वैसे बाथटब कम, ये अजीबोगरीब ज्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है ये? छोड़ो, यहाँ पर टॉवल वगैरह है। और ये बाथरूम है भाई अपने सीक्रेट बेस का, एक ही है शायद से, है भाई। इधर क्या है? ले यार मैं तो सब कुछ भूल भी गया। अरे ये लॉक्ड क्यों है रूम? पता नहीं ये रूम लॉक्ड क्यों है। अरे भूल गए यार, उधर का दरवाजा जाम है। अच्छा, वैसे इतनी मोटी मोटी किताबें रखी हैं, कभी जिंदगी में किसी ने इन किताबों को हाथ नहीं लगाया होगा, बट फिर भी स्टिल हमारे घर में इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। और भाई लिटरली में कितनी एक से एक मोटी किताबें हैं। ये वाली बुक देखो तुम लोग, ये वाली कितनी मोटी बुक है, ब्लू कलर वाली। और नीचे भी बुक्स, अरे इतनी बुक्स की क्या जरूरत है। और लाइट वाइट लैम्प वैम्प। और इसके अलावा ये छोटा सा मिनी गार्डन। और इसके अलावा क्या है, मैं तुम्हें गाइस अपने सीक्रेट बेस का मस्त वाले टूर दे रहा हूँ। देख सकते हो काफी ब्यूटीफुल सा सीक्रेट बेस है, यहाँ पर पूरे घर की मेन स्विच है लाइट वगैरह की। इसके अलावा अगर इधर चलेंगे तो ये एक और रूम है जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह लगा पड़ा है और सूट वगैरह, हमारे पास भी गाइस सूट है। और ये कंप्यूटर अपना ब्यूटीफुल सा, सब कुछ सेट है भाई, इधर ही मजे करते हैं। अरे यार जरा एक बार बाहर देख कर तो आओ। अबे बाहर देख के आने की क्या जरूरत है? अरे क्या पता है यार, वो डॉन हमारे घर पर आया होगा। अबे नहीं आया होगा घर पे भाई। अरे एक बार देख के तो आओ।
अबे यार तुम लोग भी अजीबो गरीबो। चल दे गाइस, जरा बाहर देखते हैं डॉन आया है या फिर नहीं हमारे घर पे। लेट्स गो। ओके आ गए बाहर, देखते हैं भाई। यार नहीं पता चला। ओहोगा, ओ वेट भाई साहब, और इनके पास वेपन्स देखो भाई, कितने खतरनाक वाले हथियार है, कितने बड़े बड़े वेपन्स है। व्हाट, कौन से जमाने के वेपन्स ले रहे हैं ये लोग? और यही है क्या वो डॉन जो वाइट यहाँ पर सूट में दिख रहा है? हेलो भाई, ओ मुड़ियो, ओ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, उससे भाई उसके भाई को कूटा है, मैं जैसे उसके हाथ आऊंगा भाई छोड़ेगा नहीं मेरे को वो। इससे बात क्या कर रहे हैं ये लोग, सुनाई भी तो नहीं दे रहा है। एक सेकेंड रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है इनकी बातें सुनने का। जल्दी से घूम के चलते हैं इनके पास रूम के थ्रू। लेट्स गो। मेरा रूम है यार, मेरा घर है, मुझे एक कोना पता है किस कोने में कहाँ से किधर से जाया जा सकता है। ऐसे ये लोग आए, इनकी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है? व्हाट, पैदल आए ये लोग या फिर गाड़ी कहीं और होगी? खैर मेरे को क्या है, मैं तो बस छुपा हुआ हूँ। यहाँ से आई थिंक सुनाई देगी इनकी आवाज़। यस बिल्कुल, तुम लोगों ने कहा कि उसका घर यही है, लेकिन यहाँ पर तो वो कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा। बॉस, हमारे लोगों ने बताया था कि वो 1234 नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेकर यहीं पर आए थे, तो यही घर होना तो चाहिए। लेकिन मुझे तो पूरे घर में वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और ना ही मुझे उसकी गाड़ी नजर आ रही है। लगता है बॉस गाड़ी लेकर वो भाग गए हैं। तो बेवकूफो, पता करो ना कहाँ गाड़ी लेकर भाग गए हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने हाथों से टपकाना है। बॉस टेंशन मत लो, पूरा मौका दिया जाएगा आपको। उसने जैसा मेरे भाई का हाल किया है, डॉक्टर ने बोला है 10 दिनों के बाद ही वो अब हॉस्पिटल से निकलेगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। बॉस टेंशन ना लो, अब नहीं बचने वाला वो, हम लोग जल्द से जल्द उसका पता लगाते हैं, तब तक आप आराम करो। नालायको, जल्दी पता लगाओ वरना तुम लोगों की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बॉस टेंशन नहीं, हम लोग पता लगाते हैं। अबे भाई साहब, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। और गाइस इन लोगों को सब कुछ पता चल रहा है यार, मेरी गाड़ी की वजह से। अबे यार वो गाड़ी बेकार है, फेंक देने चाहिए उसे। क्या करूं मैं? ओ वेट, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। अभी मैं कह रहा था यार वो गाड़ी बेकार है, अब वो गाड़ी मेरी जान बचाएगी। तुम लोग सोच रहे होगे कैसे, देखते जाओ भाई, मजा आने वाला है। बस तुम लोग जाकर गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। यस गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखते जाओ मैं कैसे इस डॉन से अपना पीछा छुड़ाता हूं और कैसे इस डॉन की नजरों से बचता हूं। बस एक बार यहां से जाने दो। बस मैं तो कहता हूं आप जाकर जरा आराम कीजिए अपने मिलिट्री बेस वाले बेस पर। ठीक है, तब तक तुम उस फ्रैंकलिन को ढूंढो। ठीक है बॉस, ठीक है। ओके, तो ये मिलिट्री बेस वाले बेस पर जा रहे हैं गाइस। मैं देखो अब क्या करता हूँ, देखते रहो तुम लोग बस। तो देखो भाई, वो लोग तो गए अब, ठीक है, वो लोग गए मिलिट्री बेस वाले बेस पर, उनका कोई बेस वेस होगा मिलिट्री बेस की तरफ, तो वो लोग तो वहां गए हैं। शिनचैन पिनचैन चॉप मस्त अपने सीक्रेट बेस के अंदर, वो तो सही है यार, हम लोग एंड टाइम पर यहीं पर आकर छुप गए, वरना तो वो लोग हमें पकड़ ही लेते। लेकिन उन लोगों को ये देखकर पता ही नहीं चला होगा, उन्हें लगा होगा पता नहीं क्या चीज है ये, उन्हें क्या पता इसके नीचे तो पूरा बेस है हमारा। खैर अब जो भी हो, अभी हम लोगों को निकलना है गाइस मेरा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। तो तुम लोगों को मैं पूरा का पूरा प्लान समझाता हूँ। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, उनको दिक्कत क्या है मेरी गाड़ी से, मतलब दिक्कत गाड़ी से नहीं है, वो लोग मुझे किस तरीके से जानते हैं मेरी गाड़ी के थ्रू, वो जो 1234 नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी उसके थ्रू, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस गाड़ी के अंदर लगा दूंगा बॉम्ब, ठीक है, और उसके अंदर बॉम्ब लगाकर मैं गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहा हूंगा, और उनकी नजरों से बच के गाड़ी के अंदर से मैं जंप लगा दूंगा, और फिर कर दूंगा मैं गाड़ी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ब्लास्ट, जिससे होगा क्या कि उन लोगों को लगेगा कि ये गाड़ी वाला तो टपक गया, अपनी गाड़ी के साथ ही टपक गया, और वो लोग एकदम रिलैक्स एंड चिल हो जाएंगे, और हमेशा के लिए किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, और अगर नहीं समझ में आया तो देखते रहो भाई, फिर तो समझ ही जाओगे। तो ये रही मेरी गाड़ी, आज मेरी प्रॉब्लम की वजह भी एक गाड़ी बनी है, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इस गाड़ी से ही होगा। जल्दी से सबसे पहले मुझे एक बॉम्ब चाहिए, स्टिकी बॉम्ब, उससे काम हो जाएगा। स्टिकी बॉम्ब के लिए मुझे जाना होगा एम्यूनेशन की शॉप पर, तो जल्दी से चलते हैं वेपन स्टोर, लेट्स गो। एम्यूनेशन की शॉप है आगे से लेफ्ट, और इसके बाद आगे से अगेन लेफ्ट, और ये रही एम्यूनेशन की शॉप। गाड़ी रोकते हैं यहाँ पर, चलते हैं शॉप के अंदर और लेकर आते हैं स्टिकी बॉम्ब। भैया तो स्टिकी बॉम्ब दियो भाई, 2 की बजाय मैंने 25 स्टिकी बॉम्ब्स ले लिए हैं। ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएंगे। अभी इस गाड़ी में बैठते हैं, लेकर निकलते हैं इसको बेस की तरफ।
और फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। खुद को मुझे इस तरीके से दिखाना है कि फ्रैंकलिन टपक गया गाड़ी के साथ, इस तरीके से उन लोगों को यकीन हो जाए कि चलो भाई उसके भाई को पीटने वाला बदला पूरा हो गया और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी का नुकसान होगा। तो ये है मिलिट्री बेस और इधर ही उन लोगों का बेस। बताओ हिम्मत तो देखो यार इस डॉन की, मिलिट्री बेस के बगल में बेस बना के बैठा है, लेकिन कहाँ होगा बेस आई डोंट नो, देखते हैं यार रास्ते में मिल ही जाएंगे। वैसे भी अकेला कहाँ घूम रहा है, सैकड़ों गुंडे तो लेके घूम रहा है वो अपने संग, इधर कहीं दिख ही जाएंगे वो लोग। चलते हैं फटाफट से सामने की तरफ, दोनों तरफ देखते हैं यार कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, शर्त के साथ कह रहा हूँ मैं। ओके ओके ओके, हेलो भाई, हेलो ब्रो, इधर कहीं है क्या तू? हेलो ब्रो, वेट, वो तो रहा। हाँ ये तो रहे वेपन, देखो भाई इनकी सबसे ज्यादा यूनिक चीज भाई इनके वेपन्स ही लग रहे हैं मेरे को। तुम लोगों ने कभी ध्यान से देखा भाई इनके हथियार? ये हथियार देखो भाई कितने खतरनाक है। कौन से है ये हथियार? लेजर वेपन्स है। तो अभी टाइम आ चुका है अपने मिशन को, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। गाड़ी के ऊपर लगाते हैं फटाफट से बहुत सारे बॉम्ब, इजीली बैठ बैठ के, या बढ़िया तरीके से बैठ के, ओ आराम से प्यार से बिल्कुल लाइन से बॉम्ब ही बॉम्ब भर दो भाई। अरे बॉम्ब ही बॉम्ब भर दो भाई, कम ऑन। अभी एक आध इधर, एक आध साइड पे, इधर भी, इधर भी। अरे यार एक नीचे गिर गया, अबे यार ये दो नीचे गिर गए, पहिए पे नहीं चिपक रहे हैं भाई स्टिकी बॉम्ब्स। इधर चिपक जा, दो बॉम्ब तो मेरे यहीं रह गए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और पांच बॉम्ब बचे हैं, फटाफट से इन्हें भी लगा देते हैं जल्दी 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 से लग जाए यार। आराम से बैठ के मत लगा फ्रैंकलिन भाई, क्या कर रहा है तू? ओके बॉम्ब लगा दिया मैंने फटाफट से सारे, अभी जल्दी से चलते हैं। दो बॉम्ब यहीं नीचे गिर गए हैं कि लग गए हैं वो भी, आई थिंक वो भी लग गए हैं यार। यही सही टाइम है गाइस, फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं, मुझे बिल्कुल सही टाइम पे जंप लगानी होगी। ओके थोड़ा हॉर्न वॉर्न बजाते हैं। अरे बॉस ये तो वही गाड़ी लग रही है। अरे हाँ इसका नंबर प्लेट देखो, अरे 1 2 3, अरे हाँ 1 2 3 4 यही है। लेट्स गो, यही मौका है गाइस फटाफट से, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अरे वाह इसकी गाड़ी अपने आप ही ब्लास्ट हो गई। बॉस आपका बदला पूरा हो गया। बिल्कुल अभी मैं जल्दी से चलता हूँ नीचे से, लेट्स गो, कम ऑन पानी के अंदर घुसना भाई। हो गया। बॉस आपका तो बदला पूरा हो गया अपने आप भी, आपको तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल क्या मस्त बदला पूरा हुआ है, मजा ही आ गया यार। अब तो मेरे भाई को पीटने वाला टपक गया, वो भी जिस गाड़ी से उसने ठोका था मेरे भाई को वो गाड़ी भी गई। अब तो आराम से चिल कर सकता हूँ मैं, और अब तो मैं भी आराम से चिल कर सकता हूँ भाई। फिलहाल तो गाइस तुम लोग आज की मेरी वीडियो बढ़िया लगी तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। भाई कहाँ था मैं, अंदर ही अंदर तैर तैर के निकल गया। लेट्स गो, ओ तेरी कितनी मछली पीछे आ रही है, ओए कितनी बड़ी मछली है पीछे।